अब यहां पर क्या कह रहा है, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डेलिंग। रेजिडेंशियल डेलिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर रहने के लिए, फॉर यूज एज रेजिडेंस, फॉर यूज एज रेजिडेंस। कह रहा भैया रहने के लिए घर दे रहे हैं, उसमें रहना तुम, रहने के लिए तुम्हें घर दे रहे हैं उसमें रहोगे तुम तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अब उसने क्या बोल दिया कि भाई मैंने दिया तो घर ही रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, और किसके लिए दिया, रेजिडेंस के लिए लिया, लेकिन किसे दे दिया, रजिस्टर्ड पर्सन को, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगी, आंसर इज नो। यहां पर क्लैरिफिकेशन आया, क्लैरिफिकेशन में क्या बोला गया सर्कुलर में, कि अगर वो व्यक्ति तुम रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो और उसमें वो अगर अपना ऑफिस चला रहा है तो देन तो टैक्सेबल है, और अगर वो उसमें खुद रह रहा है, भाई रजिस्टर्ड पर्सन है रहेगा भी तो देन वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्प्शन अंडर दिस एंट्री, दिस एंट्री शैल कवर सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज ए प्रोप्राइटर ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड रेंट द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन पर्सनल कैपेसिटी फॉर हिज ओन यूज ओन रेजिडेंस। अगर वो अपने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही रह रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप है, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना जी। सच रेंटिंग इज ऑन अकाउंट एंड डिड नॉट डेट ऑफ द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। या भाई मैंने अपने लिए लिया है, ठीक है ना, मैंने अपने लिए लिया है, मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म से इसका कोई मतलब नहीं, तो डेट इज एग्जेम्प्ट। द रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आइदर बाय रजिस्टर्ड पर्सन और एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग चाहे रजिस्टर्ड पर्सन दे और चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन दे, किसे दे, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे, तो वो एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गया या नहीं, बोलो बोलो, समझ आया या नहीं, बोलो। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस टू ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द प्रोप्राइटर कवर्ड एज वेल एज रेंटिंग द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल यूज टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू जीएसटी। अगर तुमने कमर्शियल यूज के लिए दे दिया तो दैट इज कमर्शियल यूज के लिए दे दिया, दैट इज टैक्सेबल। फर्दर टैक्स ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन इज पेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम वेदर सच रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज और रेजिडेंशियल पर्पज, ठीक है ना जी, क्लियर है। सर अगर फ्लैट कंपनी को दिया फॉर रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज देन, अब आप बताओ तुमने फ्लैट कंपनी को दिया किसके लिए दिया, फॉर रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉई। अब यहां पर आप जरा समझो कि क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं, क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं, बोलो भाई। तुमने एम्प्लॉई के लिए दिया, फॉर यूज एज रेजिडेंस दे दिया ना, जब यूज एज रेजिडेंस दे दिया तो डेट इज एग्जेम्प्ट। अब ये कह रहे सर आरसीएम लगेगा, ये कह रहे सर आरसीएम लगेगा, पहले आरसीएम छोड़ो, पहले बताओ एग्जेम्प्ट होगा या नहीं, एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, और जब एग्जेम्प्ट होगा तो फिर आरसीएम क्यों लगेगा। अरे अभी जिसका क्वेश्चन है वो पूछ लो ना, फ्लैट गिवन टू कंपनी फॉर ऑफिस यूज, तो भाई एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। रचना जैन कह रही सर अपने पीएनएल में खर्चा बुक करेगी, तो उससे क्या मतलब है, एग्जेम्प्शन क्यों विथड्रॉ हो जाएगी, एग्जेम्प्शन किसे है, एग्जेम्प्शन किसे है, बोलो एग्जेम्प्शन किस चीज के लिए है, बोलो ना आप, रेंटिंग के लिए है या नहीं है, कि भाई मैंने तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए दिया है, तो मेरे हिसाब से भैया वो एग्जेम्प्ट होगा, मेरे हिसाब से वो एग्जेम्प्ट होगा, या तो आप कोई ठोस रीजन बताओ तब मैं आपकी बात मानूं, अदरवाइज मेरे हिसाब से एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा है, अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा है तो ठीक है, अगर वो अपने एम्प्लॉई के लिए कर रहा है तो मेरे हिसाब से, ठीक है ना, मेरे हिसाब से क्या होगा, ठीक है ना, एक बार देख लेता हूँ, एंट्री नंबर 12 क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई साहब, क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं पर कुछ और तो नहीं लिखा,
ठीक है ना। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि अगर कंपनी को दिया और रेजिडेंस दिया तो भाई एग्जम्प्ट होगा, लेकिन अगर कोई गेस्ट हाउस है, कोई लॉज है, हाउस बोट है, इन है, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है ना जी। ठीक है जी, ठीक है ना। इसमें एक चीज और देख लेते हैं एनालिसिस। इसमें कह रहा है कि मान लो किराएदार क्या है, कंपनी है, किराएदार क्या है, कंपनी है, ठीक है, और वो यूज कर रही है अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर के लिए। यह लिखा हुआ दिस इज रेंटिंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, एक्सेप्ट यहां पर वर्ड क्या है, एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर इस बात को समझना है कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो एक्सक्लूड होगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर कंपनी अनरजिस्टर्ड है, मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वो अनरजिस्टर्ड है, तो एग्जेम्पशन होगी। क्लियर है वाली बात, बोलो बोलो। और आरसीएम एप्लीकेबल होगा, कंपनी पे करेगी, लेकिन कंपनी क्या होनी चाहिए पहले उस केस में, रजिस्टर्ड, क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड, ठीक है जी, ठीक है। इन्होंने कहा सर एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है ना मैडम, यहाँ पे एंट्री नंबर 12 प्रोप्राइटर का क्या कह रहे हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये कह रहे सर एक्सप्लेनेशन में तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पर, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है ना। अगर कंपनी यहाँ पर इसे मानते हो तो फिर टैक्सेबल कर दो, कंपनी को अगर तुम मानते हो तो फिर टैक्सेबल कर दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो रचना जैन कह रही है वो वाला आ रहा है, ठीक है ना भाई। रात को ना ये जो क्लास होती है हमारी, ठीक है ना, इसके अंदर ना तुम एक बार एग्जिट करने के बाद दोबारा एंट्री मत लिया करो, क्योंकि दोबारा एंट्री मैं इस टाइम कैसे दूंगा तुम लोगों को, टीम तो चली जाती है इस टाइम, ठीक है। रचना जैन जी क्लियर हो गया, हाँ। तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है वो दो तरीके की इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड लिखा है तो रजिस्टर्ड पर्सन में अगर कंपनी, आप ये मानकर चल रहे हो कि भाई क्या कहते हैं कंपनी रजिस्टर्ड है और यहाँ पर इसी की डेफिनेशन में है, ठीक है ना, तो आप टैक्स दे सकते हो इसमें, ठीक है ना। एक बार इसे एनालाइज और करके मैं आपको बता दूंगा कि पूरा यहाँ पर क्या है, इसकी लास्ट वाली एंट्री देख कर ना कि यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब सिर्फ प्रोप्राइटरशिप है, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप है, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ देखनी। और बोलो और कोई एंट्री हो तो, और बोलो और कोई एंट्री हो तो, ठीक है ना। क्योंकि अगर बी लिमिटेड अनरजिस्टर्ड है तो एक बार को चेक करना पड़ेगा कि बी लिमिटेड अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसमें आरसीएम आएगा या नहीं आएगा, रजिस्टर्ड में तो कन्फर्म है आएगा, रजिस्टर्ड में तो कन्फर्म है कंपनी रजिस्टर्ड है तो आरसीएम आएगा, अनरजिस्टर्ड में देखना, ठीक है।